नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज नए मुद्दे के साथ हम आते हैं और उसके तमाम पहलुओं को छूने की, समझने की पूरे विश्लेषण के साथ कोशिश करते हैं हमारे तमाम पैनलिस्टों के साथ। आज देखते हैं क्या कुछ खास है हमारे एजेंडे में। बना रहेगा शिवसेना बीजेपी गठबंधन, लेकिन कांग्रेस एनसीपी में गतिरोध बरकरार। और चीनी नेताओं के क्षेत्रीय युद्ध जीतने की तैयारी जैसे बयान पर दिल्ली में सरगर्म हुई सियासत। कश्मीर पर पाकिस्तान का पुराना राग। चलिए, दो खास एजेंडे हमने तलाशे हैं आज, जो दो बड़े मुद्दे हैं, जो दो बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आई है कि लगभग फाइनल चीजें हो चुकी हैं बीजेपी शिवसेना गठबंधन को लेकर के, लेकिन कांग्रेस एनसीपी में अभी भी तकरार बनी हुई है। क्या कुछ होगा वहां पर महाराष्ट्र की राजनीति पे, इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, इन तमाम मुद्दों को पहले बातचीत हम पहले एजेंडे को उसके साथ शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं जो हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हैं इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अमी रॉय जी हैं, नेता आरएसपी के। हमारे साथ मौजूद हैं रमेश चंद्र रतन जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के। साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आलोक शर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। और हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और ग्रुप एडिटर जैन टीवी के। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए जरा सुनते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर तारिक कन्वर साहब का। आखिर में वो इस जो दूरी बन रही है लगातार कांग्रेस के साथ, उस पर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हम लोगों ने अपना पक्ष रख दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने हाई कमांड से बातचीत करेंगे। कांग्रेस हाई कमांड से बात करने के बाद वो दे विल कम बैक। क्या अकेले भी जाने के लिए आप लोग तैयार? बिल्कुल, अभी ऐसी कोई नौबत नहीं है और हम लोग चाहते हैं कि अलायंस हो, चूँकि अब तो शिवसेना बीजेपी का भी लगता है कि गठबंधन हो जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में अगर उनको रोकना है तो हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी और तभी मिलकर अगर लड़ेंगे तभी उसका फायदा होगा। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा तारिक अनवर साहब कह रहे थे कि अब लगभग ऐसा लग चुका है बीजेपी शिवसेना गठबंधन हो जाएगा, तो अगर उनको रोकना है तो हमें भी गठबंधन करना होगा। तो हो सकता है ये गठबंधन की जो गांठ उलझी हुई थी अब थोड़ी सुलझती हुई दिखाई दे। चलिए, इस पर बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले दिलीप जी आपसे जानना चाहेंगे, लंबे समय से लंबा अरसा लगा, उसके बाद हम पॉलिटिकल रिएक्शन लेंगे। अब धीरे धीरे ये एक 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 जो नया फॉर्मूला बनाया गया 130, 151 और 7, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान छोटी पार्टियों को हुआ। आप कारण क्या मान रहे हैं कि इनको एकदम किनारे कर दिया जाए? 15-20 दिन तक जो भी फॉर्मूले आ रहे थे, जो भी प्रस्ताव आ रहे थे, उसमें एक बात फिक्स थी कि 18 सीटें तय थी कि इन 18 सीटों पे जो सहयोगी दल हैं वो होंगे। इनको इस तरीके से दरकिनार करके सिर्फ 7 सीटें दी गई हैं। 3-4 दल हैं, एक के हिस्से में 1-2 सीटें आएंगी और इनका अस्तित्व बाहर कहीं है नहीं। अगर वो भी हार गए तो महाराष्ट्र में अस्तित्व का भी संकट आ जाएगा। कैसे देख रहे हैं जो नया फॉर्मूला बना है और अब गठबंधन चूंकि लगभग फाइनल हो चुका है इसको? आप देखिए, गठबंधन महाराष्ट्र में मुझे नहीं लगता कि टूट के कगार पे कभी भी था दोनों में, चाहे एनसीपी कांग्रेस हो चाहे बीजेपी शिवसेना हो, क्योंकि चारों पार्टियां जो बड़ी पार्टियां हैं वहां पे, जो दो क्षेत्रीय दल हैं और दो राष्ट्रीय दल हैं, दोनों की एक दूसरे की आवश्यकता है। और ये कोई आवश्यकता ऐसी नहीं है जो आज की है, उनको पता है, ये वैचारिक उनके कुछ आधार भी है, साथ ही साथ मुद्दों से एक दूसरे को वो समर्थन करते रहे। कुछ एक बुनियादी आधार अगर कांग्रेस और एनसीपी के बीच में देखें तो सोनिया गांधी के विदेशी मूल को लेकर वो पार्टी की नींव रखी गई थी, अब वो मुद्दा नहीं रहा जी। अब दोनों पार्टी के पास विकल्प क्या है? कांग्रेस के अलावा शिवसेना के पास कोई ये विकल्प नहीं है, एनसीपी के पास, कि वो मनसे या बीजेपी या फिर इवन शिवसेना के साथ गठबंधन करे, क्योंकि उस सूरत में जो फायदा होगा वो फिर बीजेपी कांग्रेस को फायदा होगा। इस बात को शरद पवार जी बहुत ही अनुभवी नेता हैं, वो जानते हैं। और रही बात बीजेपी और शिवसेना की, तो मुझे लगता है कि दोनों का एक स्वाभाविक गठबंधन है और उस स्वाभाविक गठबंधन में जो भी चाहे एनसीपी और बीजेपी या एनसीपी और कांग्रेस और बीजेपी और शिवसेना के बीच में जो असल, ये जो जिसे आप गतिरोध कह रहे हैं, जिसे आप तनातनी कह रहे हैं, जिसे आप लड़ाई कह रहे हैं, जिसको आप टूट के कगार पे ले जाते हैं, ये तमाम चीज सिर्फ और सिर्फ सीट ज्यादा से ज्यादा वो निगोशिएट कर पाए, अपनी शर्तों को, कुछ बातों को आज वो बनवा पाए और अपने अपने कार्यकर्ता, अपने अपने जो उनके क्षेत्रीय जो नेता है, स्थानीय नेता है, उन नेताओं को भी समझा पाए। तो ये पूरी कसरत जो है वो सियासी कसरत है,
मुझे इसमें कभी भी गठबंधन को लेके कोई संदेह या शक नहीं था। तो ये जो बीच बीच में खबरें आ रही थी कि और ये जो ये मैंने बोला कि अपने अपने नेताओं को वो जैसे अगर 59 सीट्स की बात जो बीजेपी कर रही है कि वहां पे एनसीपी और कांग्रेस जीती है उस पर वो दोबारा बात कर, तो ये सिर्फ सीटों को लेके कि किस तरह से बेहतर तालमेल हो सकता है, कैसे बेहतर तैयारी हो सकती है, कैसे नेता पूरी तरह से नेता कार्यकर्ता लग सकते हैं, ये तमाम चीजों उसी में चलते रहे और अभी ये सुर्खियों में बने रहे। अंततः इन्हें जाना है गठबंधन के साथ ही, क्योंकि कोई भी पार्टी अपने बदौलत वहां पे गठबंधन बिना गठबंधन सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से सक्षम, आज आप ये नहीं कह सकते हैं कि 288 सीट पे बीजेपी या कांग्रेस पार्टी चुनाव अकेले दम पे लड़के चुनाव जीत ले और सरकार बना ले। दोनों को सरकार बनाना है, गठबंधन में उनको पता है गठबंधन के बिना सरकार बनती नहीं है, गठबंधन के बिना चुनाव में जीत होती नहीं, उनकी होगी नहीं। इसलिए मुझे लगता है बहुत ही दोनों के लिए ये जो तमाम गतिरोध जिस पे हम बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सीट शेयरिंग और कुछ अन्य शर्तों को मनाने और मनवाने की कवायद है, इससे ज्यादा मैं इसको कुछ नहीं देखता हूँ। तो ये जो बीच बीच और जहां तक बात खबरें आ रही हैं छोटी दलों के लिए, जो छोटी दलों के लिए इसमें अस्तित्व का सवाल है, तो वैसे भी ये जो छोटे दल हैं इनके पास अपने सीट जीतने के अलावा बहुत कम ऐसे सीट हैं जिन पे ये सीधा सीधा इनका प्रभाव भी है। तो मुझे लगता है तमाम दलों के लिए उन छोटे दलों की भी मजबूरी है, वो अगर चाहें तो वोट कटुआ एक दूसरे के लिए वो काम कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड ये अगर चाहे कि ये अपने आप में छोटे दल मिलके गठबंधन बना करके चुनाव जीते, तो मुझे नहीं लगता है कि वो स्थिति में है। इसलिए उनकी मजबूरी भी है, उनकी जरूरत भी है, जिस तरह ये बाकी जो चार दलों के मजबूरी है उस तरह उनकी भी है कि ये बड़े दलों के साथ मिलके, बड़े गठबंधन के साथ मिलके अपने अस्तित्व को भी बचाए रखे, अपने सियासी जो उनके अपना जनाधार है उसको और भी मजबूत करके रखे। रमेश चंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी दिलीप जी का कहना यह है कि पहले से तय था, थोड़ा जो है कोशिश की जा रही थी ज़्यादा बार्गेन हो सके, ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देने के लिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें थी, पहले से तय था कि गठबंधन होना ही होना है। ये जो बीच बीच में खबरें लगातार आ रही थी कि जिस तरीके से एनसीपी नज़दीक हो रही है शिवसेना के, हो सकता है कि अगर इसमें कोई टूट होती, आज हम जैसे तारिक अनवर साहब का एक बयान सुन रहे थे, उनका अब ये गठबंधन लगभग फाइनल हो गया है तो हमारा भी गठबंधन हो जाएगा, इसका मतलब क्या एनसीपी वेट एंड वॉच के मूड में थी कि वो इंतजार कर रही थी ये गठबंधन को लेकर कोई फैसला हो जाए उसके बाद वो अपने पत्ते खोले, अपनी रणनीति तय करे, और बीजेपी जिस तरीके से शिवसेना ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया मुख्यमंत्री उसका होगा, उसके बाद बीजेपी का जो स्टैंड था, तो ये जो तमाम चीजें हो रही थी ये सिर्फ मीडिया के लिए या कार्यकर्ताओं के लिए हो रही थी या वाकई में एक टसल था, एक चीजें फंसी हुई थी? सबसे पहले तो बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन है वो नया नहीं है, 25 साल पुराना है, और 25 साल पुराना गठबंधन वो किसी एक किसी उस पर जो है टूटना संभव नहीं है, और न ही बीजेपी की कोई ऐसी मनसा थी कि उस पुराने साथी को छोड़ने का काम तो किया जाए, बीजेपी के पास नहीं, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन जहां तक टिकटों के बंटवारे की बात है, एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत दल, एक राष्ट्रीय दल और वो क्षेत्रीय दल, उनकी भी अपनी सोच अपने तरीके की थी और बीजेपी का भी अपने तरीका, लेकिन गठबंधन मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा। जहां तक तारिक अनवर जी की बात है, तो तारिक अनवर जी ने अभी अपने शब्दों में ये भी कहा कि अगर हमको इस गठबंधन को रोकना है तो हमको भी इस ओर जो कांग्रेस और एनसीपी को बढ़ना पड़ेगा। हालांकि जो है शरद पवार जी सबसे पहले व्यक्ति हैं जो विदेशी मूल के उस मुद्दे को लेकर के इन्होंने एक देश में एक अलग से जमाया था, लेकिन इतना निश्चित है कि ये मजबूत गठबंधन वहाँ मजबूती के साथ सरकार बनाएगा। और जहाँ तक दूसरी अन्य पार्टियों जो छोटी छोटी जो अपने 60 टिकट का जो है, तो उनका भी अपने जैसा बीच में तालमेल था उसी के दायरे के मुताबिक ही उनका भी रिप्रेजेंटेशन रहे इस दायरे पर उनको दिया गया है। और चूंकि वो लेकिन पुनः क्योंकि ये कोई नया ऐसा नहीं कि कोई प्रोपेगेंडा या कोई मैसेज देने के लिए मीडिया में आने के लिए, लेकिन वो एक प्रक्रिया थी, प्रक्रिया में हर पार्टी सोचती है कि हमको अधिक सीटें मिल जाएं, तो वो एक पक्ष था पक्ष रखने का, लेकिन टूटने का कोई दायरा नहीं। मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा ना? नहीं, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है, वो तो बाद में, चूंकि पार्टी में ऐसा सिस्टम नहीं है, जो ये चुनाव के बाद ही तय होगा। चलिए, अभी शिवसेना का तो खैर यही स्टैंड है। चलिए एक प्रक्रिया जरा प्रतिक्रिया कांग्रेस से लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे आलोक जी, जो स्थिति इस समय कांग्रेस एनसीपी के बीच बनी हुई है और दोनों तरफ से जो बातचीत हो रही है, आप कह रहे हैं हम अलग लड़ने को तैयार हैं, कम से कम जितना भी दुराव था, कम से कम ये नहीं कहा जा रहा था बीजेपी शिवसेना की तरफ से कि हम गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं,
आपकी तरफ से और आप एनसीपी की तरफ से तमाम इस तरह की बातें आई कि भाई अलग अलग होकर के लड़के देख लेते हैं किसमें कितना दम है, ये इस तरह के बयान आए। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति हुई तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये जो स्थिति थी, आपका भी काफ़ी लंबा समय हो गया गठबंधन का, क्या क्या वजह है कि इस बार इतना दुराव हो रहा है? जिस तरह का आपका प्रदर्शन रहा है, अगर वो आधी आधी सीटों पर लड़ने के लिए कह रहे हैं तो आपत्ति क्या है आपको? देखिए, जहां तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र हिंदुस्तान का एक बहुत ही बड़ा राज्य है, खास तौर पर आर्थिक तौर पर। तो हर जो भी सत्ताधारी दल है या विपक्ष है, उसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी का प्रयास करता है। आप देखिए, जब भी गठबंधन एनसीपी के साथ कांग्रेस का हुआ है, कहीं ना कहीं खींचतान हुई है और एक एक सीट के ऊपर एक एक घंटा, दो दो घंटा वार्ताएं चली हैं। हमारी तरफ से भी इस तरह के कुछ बयान आए हैं, एनसीपी की तरफ से भी आए हैं, भाजपा की तरफ से और शिवसेना की तरफ से, तो पिछले 15 दिन से आ रहे हैं। सामना तक में लेख आए हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा किया जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य मुद्दा था वो सीटों को लेकर नहीं था। भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरह से सत्ता के लिए लालायित है, उनका मेन झगड़ा सीएम के लिए था। कल आप तारिक अनवर साहब का बयान सुनते, उन्होंने कहा हमारा सीएम को लेकर किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है, हमारा प्रदर्शन बेहतर रहा है, हम सीटें ज्यादा चाहते हैं और 10-12-15 सीटों के ऊपर हमारा केवल डिस्कशन बाकी। तारिक अनवर का साहब क्या, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पर बाद में बातचीत करेंगे, मुख्यमंत्री इस बार मुख्यमंत्री पद हम चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं पर भी किसी भी पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान इस तरह का नहीं आया है। चलिए, ठीक है, किसी नेता ने अपने व्यक्तिगत स्तर पर कोई इस तरह की बात कही हो तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो गठबंधन बीजेपी और शिवसेना का हुआ है, वो उसका नहीं होने का दो कारण मुख्यतः थे। एक तो भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरह से आवेग में है कि हम जो हैं पूरी तरह से, हमारी आंधी चल रही है मोदी जी की, तो उसमें इंटरफेयर कहीं ना कहीं आरएसएस ने किया है पिछले 4-5 दिन में। आपने जो रज्जू भैया, उनका भी एक बयान सुना होगा, भैया जोशी का, सॉरी, कि उन्होंने जो स्पष्ट तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वास्तविकता समझनी चाहिए और शिवसेना के साथ चलना चाहिए। आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि शिवसेना का मोदी जी से व्यक्तिगत आधार पर, बाला साहब जी के साथ कहीं ना कहीं एक विच्छेद रहा है, उनका तो हो गया, मामला सेट हो गया धीरे धीरे। देखिए, हमने जहां तक अपनी बात बताई है, हमारी कहीं पर कोई बहुत विवाद बड़ा है ही नहीं। हम पहले भी 3 बार इकट्ठे मिलकर विवाद नहीं है आलोक जी, तो अब तक समझौता क्यों नहीं हुआ? देखिए, कहीं ना कहीं चल रहा है सीटों को लेकर कि कौन सी सीट किसके पास जाए। लोकसभा का जो चुनाव आया है उसमें समीकरण कहीं ना कहीं बदले हैं, कौन मजबूत है। कई बार 5 वर्षों में एक सीट पर एक लीडर बहुत मजबूत हो जाता है एक पार्टी का, तो कहीं ना कहीं उन चीजों को लेकर केवल डिस्कशंस चालू हैं। आप देखिए, दोनों तरफ के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं बहुत कूल एंड काम है। एक चीज मैं समझना चाहता हूं कि अगर एनसीपी आपसे ये डिमांड कर रही है, मांग कर रही है कि 144 सीटों को पे वो लड़ना चाहते हैं क्योंकि उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है, जो आपने भी कहा, तो 144 सीटों पे प्रदर्शन करके अगर आपसे बेहतर प्रदर्शन होता है तो क्या इस बात के लिए एनसीपी मान जाएगी कि आपसे बेहतर अच्छे नंबर आने के बाद भी वो मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का बनाए? कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है। पहले भी एनसीपी के एक बार विधायक ज्यादा होने के बावजूद मुख्यमंत्री पद हमें मिला है, हमारी आपस की। यहाँ पे वो उन आप मुख्यमंत्री को लेके आप कह रहे हैं कोई झंझट नहीं, हमारे यहाँ पर कोई झंझट नहीं है किसी तरह का। अगर इस तरह की कोई बात होती तो इस समय पृथ्वीराज चौहान जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाता, लेकिन इस तरह का कोई विवाद कांग्रेस और एनसीपी के बीच में नहीं है। हम लोग पूरी तालमेल के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन तालमेल अभी तक दिखा नहीं है, अभी तक सामने नहीं आया। आप कह रहे हैं तालमेल है, आप देखे, आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ने हस्तक्षेप किया, फिर शरद पवार थोड़ा नरम पड़े, उसके बाद भी अभी तक गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। तो जाहिर है कि जब उस स्तर तक आप गए हैं तो बहुत स्वाभाविक छोटे मोटे ऐसे चीजें नहीं होंगी, इरिटेंट्स नहीं होंगे जिसको आप अध्यक्ष लेवल पे जाके उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। देखिए दिलीप जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनावी जहां पर गणित आता है और बिसात जब बैठती है तो केवल अपने घर को नहीं देखा जाता, दूसरे के घर में क्या चल रहा है उस चीज को भी देखा जाता है। तो अभी आप दूसरे घरों पर नजर घर को आप विवादित दिखा रहे हैं और जहां विवाद अभी निपटा नहीं है उसको सुलझा हुआ दिखा रहे हैं। कांग्रेस एनसीपी का विवाद जो है, नहीं विवाद वो है ही नहीं। आप देखिएगा, अभी विवाद चुनाव डिक्लेयर हो गया उसके बाद आ गया है, ठीक खत्म हो गया है। अब उस पर विवाद शब्द को यूज करना ही औचित्यपूर्ण नहीं है। अपना विवाद है उसे सुलझाने की कोशिश करो, हमें अपने उस पर छोड़ो। आपका विवाद तो अभी कहीं किसी स्तर पर नहीं निपट रहा।
नहीं, हमने तो यहाँ तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दोनों पार्टियों ने तलवारें खींच ली हैं, भाजपा और शिवसेना ने, कार्यकर्ताओं ने भी गली मोहल्ले में एक दूसरे को हराने के लिए पूरी तैयारियां हो गई हैं। आप कह रहे हैं सर, आप तो माला पहना रहे हैं आप। देखिए, हमारे यहाँ पर पिछले 3 बार से सरकार बन रही है और बिल्ली का भाग का चीका जो है हमेशा बीजेपी वाले सोचते रहते हैं कि बिल्ली के भाग का चीका फूटेगा, इस बार कांग्रेस हार जाएगी, और हर बार क्या होता है कि कांग्रेस एनसीपी गठबंधन जीत जाता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि एनसीपी इसलिए भी एम्बिशियस है कि वहां पर दिलीप जी अपनी दास से एक रिएक्शन ले लेते हैं छोटा सा, क्योंकि अब तक उनसे रिएक्शन ले नहीं पाए। कहा ये भी जा रहा है कि एनसीपी ये चाह रही कि अगर किसी तरीके से मजबूत स्थिति में हो तो सुप्रिया सुले जो है, अगर ऐसी स्थिति में आती है तो सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री के पद का दावेदार बनाया जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद जो है कांग्रेस थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है और एनसीपी कहीं से भी ये चाहती नहीं है कि कांग्रेस की जो हार हुई है या कांग्रेस की जो निगेटिव जो है इस समय छवि बनी हुई है उसका असर जो है एनसीपी के ऊपर पड़े। इस पूरे गठबंधन का ये युद्ध चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, कैसे देख रहे हैं अपनी? महाराष्ट्र में जब गठबंधन होता है तो बार्गेनिंग के लिए सभी सब जाते हैं और कभी कभी ये भी डर दिखाते हैं कि हमको जितना सीट है उसी में हम लड़ेंगे। चलो वो जो बात खत्म हो रही, अब जो है देश में हमेशा दिखाई दे रहा है कि एक परिवार तंत्र की बात गई, अब कहीं कहीं हर जगह की कुछ परिवार की बात आ रही है और जैसा वहाँ सुले की बात आई या हम इसके लालू जी को देखा या आगे जिसकी जिसकी है परिवार की बात, ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये छोटा पार्टी हो या बड़ा हो उसमें चल रहा है। अब यहाँ परिवार की बात से तो होगी नहीं, लेकिन छोटी पार्टी या कुछ भी हो चुनावों के जीतने के बाद फिर क्या होगा, फिर क्या नहीं होगा, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये तब की बात होगी। अभी प्रोजेक्ट तो सभी कोर्स कर रहे हैं, अगर सुप्रिया सोले को प्रोजेक्ट करे ना जाने प्रफुल्ल पटेल कल क्या करेगा। एक यहाँ पे ये बहुत सारी बातें हैं, पवार क्या करेंगे, लेकिन वहां समस्या नहीं है दादा। आज अगर आपने तारिक अनवर साहब को सुना, उन्होंने कहा अगर बीजेपी शिवसेना गठबंधन हो जाता है तो उनको रोकने के लिए, तो उनके उनको उन्होंने कहा उनको रोकने के लिए उनके लिए जरूरी है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करें। इसका मतलब बहुत साफ है, एनसीपी अकेले अगर शिवसेना या बीजेपी लड़े तो लड़ने के लिए कांग्रेस से अलग भी तैयार हो सकता है, लेकिन अगर शिवसेना और बीजेपी साथ लड़ रही हो उससे कांग्रेस या एनसीपी अकेले दम पे नहीं लड़ सकती है। ये तो सही है, ये तो पहले भी ऐसा ही था बीजेपी के साथ सेना की, तो आज की नहीं है, बहुत पहले से इसका प्रेम था और ऐसा ही एनसीपी के साथ कांग्रेस की। जो वहां मुद्दा है वो मुद्दा ये नहीं है कि आपको वहां पे भी आलोक जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एनसीपी के तरफ से जो मुद्दा है वो भी है कि कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म जो की जो लड़ाई है उसी लड़ाई को वो फोकस रख के उसको फोकस करके लड़ना चाहते हैं जी। एक चीज दिलीप जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जिस तरह की जो स्थिति है इसको आप क्या मान के चलेंगे, खासतौर से एनसीपी और शिवसेना इन दो पार्टियों के बारे में, क्योंकि दोनों मराठा की राजनीति करते हैं, दोनों ने ही एक तरीके से शिवसेना ने अपना मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया कि उद्धव ठाकरे ने, दोनों ने वहां पे जो पार्टियां हैं जी ये उनकी मजबूरी है जी, वहां पे मराठा और गैर मराठा जी जो सियासत जो आधार है, गैर मराठा में फिर आप वहां पे कुछ आदिवासी भी है, ओबीसी भी है, फिर वहां पे दलित भी है, दलितों में भी कई सारी पार्टियां हैं वहां पे, 3 तो अंबेडकर की ही पार्टी वहां पे है जो एक कांग्रेस के साथ और दो जो है वो बीजेपी शिवसेना के साथ है, प्रकाश अम्बेडकर और ठावले साहब, और इनकी अपनी अपनी जो एक छोटा सा क्षेत्र है इनका, इसके अलावा राजू सेठी है, इसके अलावा एक कई और छोटे छोटे दल हैं जी, तो इनके पास विकल्प क्या है, सवाल ये है जी। इनके पास कोई मैं जो आपसे सवाल करता था, जो बाइट जो हमने सुनी, जो बातें हमने सुनी जिस तरीके से जो एनसीपी के तारिक अनवर साहब की, उन्होंने कहा कि अब ये गठबंधन होता दिख रहा है, तो क्या वेट एंड वॉच की कंडीशन में थी एनसीपी तो कि अगर ये गठबंधन टूटता है तो इन दोनों में से हम किसी के नजदीक जाए? आलोक जी ये बात कह नहीं रहे हो, लेकिन वो भी जानते हैं कि अगर वहां पे शिवसेना अलग लड़ती, बीजेपी अलग लड़ती और तमाम छोटी पार्टियां अलग लड़ती, फिर एनसीपी और कांग्रेस के लिए मुझे नहीं लगता है गठबंधन होने की वहां पे कोई गुंजाइश तब बन सकती थी। तो ये जो अटकलें चल रही थी कि शायद शिवसेना के नजदीक जाए या शिवसेना एनसीपी गठबंधन, मैंने जो आपने कहा ना कि मराठा और गैर मराठा, आप वहां देखिए मन से भी जो है मराठा मराठी मानुस की बात करते हैं, शिवसेना मराठी मानुस की बात करते हैं, एनसीपी भी मराठी मानुस की बात करते हैं, कांग्रेस ने भी जो भेजा है वहां मुख्यमंत्री अगर अशोक चौहान गए हैं तो वहां पृथ्वीराज चौहान को भेजा है,
तो बहुत साफ है वहां पे जो समीकरण है स्थानीय जो जातीय जो समीकरण है उस समीकरण को कोई बिगाड़ना नहीं चाहता है। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे रमेश चंद जी, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये गठबंधन शायद आसान नहीं होता कि गठबंधन दोबारा हो गठबंधन बन जाता सीटों को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव में हार मिली है उसकी वजह से भी ये लगा कि शायद हम बहुत जल्दबाजी में अति आत्मविश्वास के साथ चलना थोड़ा नुकसानदायक रहेगा, थोड़ा संभल करके जिस तरीके से हरियाणा में गठबंधन तोड़ा गया इस तरीके से यहाँ पर ऐसी स्थिति ना आए कि गठबंधन टूटने तक की नौबत आए, कितनी सच्चाई आपको लगता है कि इसमें है? देखिए पहली चीज तो बाई इलेक्शन जो अभी हुआ है, बाई इलेक्शन अपने क्षेत्रीय परिस्थिति और उसके सारी समस्याओं के ऊपर निर्धारित था। हालांकि जहां भी जो भी कुछ हुआ है उसको भी हम उसे दूसरे रूप में नहीं समीक्षा के रूप में कैसे कमियां हुई हैं, क्योंकि जो पहले जो लोकसभा का चुनाव था वो राष्ट्रीय स्तर की और बिल्कुल सबका साथ सबका विकास माननीय मोदी जी के बेसिस पे लड़ा गया और क्षेत्रीय पार्टी जो क्षेत्रीय अभी बाई इलेक्शन हुआ है पूरा पूरी तरह से डिपेंड स्टेट वाइज सारे उन पर ही छोड़ दिया गया था और जो भी कुछ हुआ है उसका भी ऐसा नहीं, हम कमी को अपना सुधारने का काम समीक्षा के रूप में कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ये जो कहना कि गठबंधन इसलिए जल्दबाजी में और ये जो है ये बिल्कुल औचित्यपूर्ण नहीं, जो 25 साल पुरानी जो चीज थी उसको 25 दिन में तोड़ा नहीं। उसमें अदतन जी ये बात तो बहुत साफ है कि बाला साहब ठाकरे अब नहीं है और बीजेपी को लग रहा था कि मोदी के वेब पे मोदी के लहर पे इस वक्त अगर वो चढ़ के शिवसेना को चुनौती दे तो हो सकता है उन्हें कुछ गेन हो और यही स्थिति मोर और लेस शिवसेना में पहली बार बाला साहब ठाकरे नहीं है और उद्धव ठाकरे वहां पे सियासत उस पार्टी को उस विरासत को आगे बढ़ा पाते हैं नहीं बढ़ा पाते हैं दोनों चीजें थी। बीजेपी चाहती थी कि किसी भी तरह से शिवसेना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो और इस बात को लेके जो बीजेपी के नेता हैं, लेकिन जो बात आलोक जी कह रहे हैं मुझे लगता है, मुझे नहीं पता है कि आरएसएस के नेताओं ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन चूंकि जो आरएसएस की है कि जो हिंदुत्व हिंदू राष्ट्रवाद की जो वो बात करते हैं उस राष्ट्रवाद में उस विचारधारा में बीजेपी और शिवसेना को अलग लड़ने से उनका जो अपना पूरा विचारधारा है उसको कहीं झटका लगता है, उसको कहीं कहीं वो कमजोर होता है, तो संघ कभी नहीं चाहेगा कि ऐसे जो जो मजबूत गठबंधन है वो टूटे। लेकिन बीजेपी एक राजनीतिक दल के हैसियत से लगातार इस प्रयास में जरूर स्वाभाविक भी है, मुझे लगता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अपने बदौलत अपने जनाधार को कोई पार्टी बढ़ाए तो मुझे लगता नहीं, लेकिन ये दोनों पार्टियों के शिवसेना और बीजेपी के बीच में ये था और कांग्रेस और एनसीपी की जहां तक बात है अगर उस कांग्रेस और एनसीपी के लिए तो ये सिर्फ और सिर्फ देख रहे थे कि बीजेपी और शिवसेना किस तरह से आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि काफी कुछ वो उस पर निर्भर कर रहा था। दिलीप जी एक तो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो राष्ट्रीय पार्टी हो हर पार्टी चाहेगी कि उसकी पोजीशन इंडिपेंडेंट बने, मुझे स्वाभाविक है जी, बहुत स्वाभाविक है। दूसरा चीज एक और है कि इस चीज में वो चाहे शिवसेना के साथी हो चाहे कोई हर एक ने अपनी मंशा जाहिर की और ये पूछा भी गया कि अगर इस टाइप से बोले क्यों नहीं होना चाहेंगे, हम भी अपनी पोजीशन आने चाहेंगे। लेकिन एक और भी चीज जैसा कि जो विपुल जी ने कहा कि हरियाणा के उसमें उसके बेसिस पर वो जल्दबाजी, देखिए हरियाणा का जो था सिस्टम हरियाणा पे हाजका का जो रिप्रेजेंटेशन था वो नगण्य रूप में था और जिस तरीके से उनकी डिमांड थी उससे कई गुनी ज्यादा थी, तो वो भी गठबंधन हमने नहीं तोड़ा। 5,40,000 वोट से ज्यादा हाजका को मिला है, आपने अति आत्मविश्वास में उनसे गठबंधन तोड़ा है। लोकसभा की 7 सीटों के रिप्रेजेंटेशन में जो उनको जिस टाइप का रेशियो मांग रहे थे उस सीटों के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से कई गुनी ज्यादा मांग रहे थे और उसका तालमेल या महाराष्ट्र के उससे कोई मैच नहीं खाता और नहीं उससे कोई जल्दबाजी का, क्योंकि पार्टी बड़ा सूझबूझ के साथ स्वाभाविक गठबंधन। देखिए हजका जो है कांग्रेस से कुलदीप बिश्नोई भजन लाल के पुत्र हैं, बुलदेव भजन लाल कांग्रेस के बिल्कुल कद्दावर नेता थे, वैचारिक रूप से भी और स्वाभाविक गठबंधन दोनों पार्टियों के बीच में नहीं चल सकती थी बहुत दिनों तक बिल्कुल, इसलिए मुझे लगता है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने कहा कि शिवसेना और बीजेपी के लिए ये जरूरी नहीं मजबूरी भी है क्योंकि दोनों का जो वैचारिक आधार है मोर और लेस वो सेम है। विपुल जी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का पूरा इतिहास रहा है, उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ गए ये लोग, हरियाणा में 3 राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल हैं, तीनों के साथ इन्होंने एक एक बार गठबंधन किया, झारखंड में 2 बार इन्होंने गठबंधन के अंदर अपना परिवर्तन किया जी। अभी हरियाणा के अंदर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अति आत्मविश्वास में चुनाव में चली तो गई अकेले, लेकिन आज हालत ये है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष के घर के बाहर रोज पुतले फूके जा रहे हैं,
41 कैंडिडेट इनके ऐसे हैं ऑन रिकॉर्ड जो या तो इंडियन नेशनल लोकदल से आए हैं या कांग्रेस या आईएनएलडी आईएनएलडी से या कांग्रेस से आए हैं। लेकिन उसका भी कारण है आलोक जी, उसका कारण यह है कि वो देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति इतनी बुरी स्थिति में है और वो देख रहे हैं कि वहां पे नेतृत्व नहीं है, नीति नहीं है, नेता नहीं है। नहीं तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे कद्दावर नेता और एक नहीं कई नेता आपके गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्थिति देख रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति जो है अब सुधरने वाली नहीं है। दिलीप जी मैं आपकी बहुत आश्चर्य की बात है कि आपके परिवार को तोड़ करके लोग अगर हमारे परिवार में आए हैं तो ये तो स्वयं ही जान लेना चाहिए कि आपके परिवार की विचार चिंतन हैसियत वो सब चीज ध्वस्त हो चुकी है। इसलिए वो अगर हमारे पास हमारी विचारधारा में मिक्सअप होने आए हैं तो हमने उनका स्वागत किया और आपने मैंडेट आपने 2014 का देख ही लिया। और ये भ्रम छोड़ दीजिएगा कि जो हरियाणा में हालत होने वाली है वो हरियाणा में हालत जो आपको जल्दी ही 19 अक्टूबर को दिखाई दे जाएगी, हरियाणा महाराष्ट्र दोनों जगह दिखाई देगी। रमेश जी देखिए जहां तक हरियाणा में जो हो रहा है उसके दो मतलब है। हमारे यहाँ पर जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहा है, दौड़ में जो नहीं आ पा रहे हैं वो आपके घर भाग रहे हैं, और इसका दूसरा मतलब ये है कि आपके घर में कुछ है नहीं माल, हमारा ही माल लेकर आप दुकान सजाए हुए हैं। वीरेंद्र सिंह जी राज्यसभा के आपका माल तो स्विस बैंक पे जमा है, उसे जिसे हम निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं, ये माल भी हमारा ही था जो हमारे पास आ गया। आप देखिए जो बात कह रहे हैं आलोक जी, कह रहे हैं दोनों बातें हो सकती है। वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनका माल लेके आप दुकान सजाना चाहते हैं, ये भी हो सकता है उनकी दुकान बंद हो गई हो इसलिए आपकी दुकान खुल गई हो, दोनों बातें हो सकती है। नहीं हमारे यहाँ पर तो हमारे यहाँ पर आप देखिए आज भी टिकट के लिए 24 अकबर रोड के बाहर आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी, टोटल हरियाणा की गाड़ियां मिलेंगी। आज भी पूरी मारा मारी है और देखिएगा 19 तारीख को पुनः है, दादा आपसे जानना चाहेंगे अब दोबारा गठबंधन की राजनीति और महाराष्ट्र पे दोबारा आते हैं क्योंकि अब समय। लेकिन आप ये देखें कांग्रेस और एनसीपी के लिए दादा से भी है, दादा हालांकि वहां पे नहीं है, लेकिन जो एक बड़ा गठबंधन एक बीजेपी शिवसेना या एनडीए के खिलाफ में जो बातें हो रही थी वो गठबंधन वहां पे कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस से अलग हो गई, वहां की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और यहाँ पे जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी बहुत सारे कांग्रेस के साथ नहीं है। तो सारी चीजें अगर आप देखेंगे गठबंधन की स्थिति जो है, क्योंकि यहाँ पे विकल्प नहीं है इसलिए दोनों लोग साथ जा रहे हैं, नहीं तो कुछ और ही तस्वीर बनती। पहली बात है कि एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन अभी भी है, वहां सरकार चल रही है, भला ही एनसीपी ने सोचा था हम अकेला लड़ेंगे। तारिक अनवर जी ने जिस खुलासा कर दिया कि अभी जैसा चल रहा है देश की हालत, इसमें अकेला ना लड़के हमारे अंदर भी समझौता होनी चाहिए और समझौता के साथ हमको जमकर उनकी विरोध पर जाना चाहिए और जितनी चाहिए, ये बात वहाँ है। अब की गठबंधन जो जहाँ भी हो, भाजपा बीजेपी और उनके सेना के था, लेकिन सेना के जो है जो दिलीप भी कहा कि अभी वो ठाकरे जी बाल ठाकरे जी नहीं है कुछ फर्क इसमें भी पड़ेगा। एनसीपी की जो है शरद पवार, भला ही शरद पवार कांग्रेस में थे और शरद पवार वहाँ के माने हुए नेता है, महाराष्ट्र में मराठी में भी उसके मानते हैं। अब ये दोनों जो है ना, ये लड़ाई ऐसी होगी, पता नहीं इसमें कैसा सोच होगा और आगे जाके क्या बनेगी जी, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक गठबंधन की बात है, अब गठबंधन लगभग हो चुकी है, तय हो चुकी इसलिए कह रहे हैं, बात जैसा है कि 10-20 सीटों के लिए और कुछ सीटों को जो है इनके साथ जो सहयोगी हैं उनके साथ जो सहयोगी है हो जाएगा कुछ ना कुछ, लेकिन गठबंधन जरूरी है ये तो मान ही लिया सब, और जरूरी इसलिए कि सियासत में लोग सत्ता के लिए लड़ते हैं, अब चुनाव के लिए तैयार करें। बहुत संक्षेप में दिलीप जी कंक्लूडिंग रिमार्क, आपसे दो सवाल। मैंने कहा आपको सियासत में जो पार्टियां होती हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां भी वो सत्ता के लिए लड़ती है, उन्हें जब दिखता है आप जैसे अभी आलोक जी बता रहे थे भाजपा ने किसके किसके साथ गठबंधन किया, आप देखें कि कांग्रेस पार्टी ने भी जिनसे वो लड़के आए उत्तर प्रदेश के खिलाफ 26 पार्टियों से, कई कई सारियों के पार्टियों के साथ
उनके साथ भी वो गठबंधन करते रहे क्योंकि सत्ता की आवश्यकता है ये। आप अगर देखें झारखंड में इससे पहले जो सरकार चल रही थी वहां पे बीजेपी और जेएमएम की सरकार थी, इस वक्त जो है कांग्रेस और आरजेडी और जेएमएम की सरकार है। तो ये पार्टियां जो है चुनाव के समय और सत्ता में जब आने, ये चुनाव किस लिए है, इनको पता है कि अगर चाहे अच्छे विचार भी हो अगर उनको लोगों तक पहुंचाना है तो सत्ता की जरूरत है, सरकार की जरूरत है, और सरकार और सत्ता बनाने के लिए संख्या जरूरी है, और संख्या जो है उसके लिए आपको जमीनी जो समीकरण है, जो स्थानीय समीकरण है, उसको मजबूत रखना पड़ता है, और उसको मजबूत रखने के लिए आप ये तमाम तरह के गठबंधन को जोड़ते हैं, और ये जोड़ जो है इस जोड़ से अगर हार हो तो वो तो तोड़ लेंगे पहले ही। तो बीजेपी को वहां लगा कि जो गैर जाट वोट है हरियाणा में उसको वो कब्जा करना चाहते थे, उसी पे कुलदीप बिश्नोई की भी नजर थी, तो इसलिए बीजेपी ने कई कारण से वहां पे अलग हुए। लेकिन शिवसेना के साथ ये स्थिति उनकी नहीं बन सकती है, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी का जो कोर वोट है वो है हिंदुत्व। जी चलते चलते जानना चाहेंगे राज ठाकरे का कोई भविष्य आप देख रहे हैं, एक दूसरा ये है कि इस पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में अब नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, अब तक कोई इस तरह की कैंपेनिंग बड़े मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ज्यादातर जो खबरें हैं जो मुद्दे हैं वो सीट समझौता और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर के, क्या कारण मान रहे हैं बहुत संक्षेप में एक रिएक्शन आपसे। और मुझे लगता है मुख्यमंत्री का जो मुद्दा है बीजेपी और शिवसेना के बीच में जो बातें अभी तक है, अगर संख्या इस तरह की आती है जिस पार्टी के बड़ी तो उस तरह उस समय क्या होगा, मुझे लगता है कि वो बहुत स्मूथ नहीं होगा। अगर संख्या बीजेपी को संख्या बेहतर हुई शिवसेना से ज्यादा तो मुझे लगता है उस पर होना स्वाभाविक होगा, अगर ये गठबंधन सत्ता के तरफ या उनको संख्या होती तो। और अगर कांग्रेस और एनसीपी के बीच में भी, हालांकि 15 साल से वहां सत्ता में है, स्थिति बहुत ही कमजोर है कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की, जो तमाम लोग बता रहे हैं, जो तमाम सर्वे आ रहे हैं, लेकिन उसमें एक चीज है कि अगर एनसीपी के पास बेहतर नंबर होगा तो मुख्यमंत्री को बनने के लेके वहां भी चीजें आप देखेंगे स्मूथ होगा। शरद पवार खिलाड़ी हैं, बहुत ही अनुभवी आदमी हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से नंबर्स को अपने पक्ष में करने के लिए कैसा काम करना चाहिए, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो पोस्ट पोल पे मैं ना जा, प्री पोल जो स्थिति है उसमें बहुत एक चीज आपको साफ रखना पड़ेगा कि जो ये पार्टियां हैं इस वक्त, ये पार्टियां सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कि कितना सीट मिलता है, किस तरह से स्थानीय समीकरण को, स्थानीय नेता को पार्टी के पक्ष में मजबूती से लड़ने के लिए तैयार किया जाए, ये अभी की रणनीति यहां तक है। बाकी आलोक जी अगर कुछ कहना चाहे तो अलग बात। बहुत संक्षेप में जी सर, देखिए अभी पिक्चर धीरे धीरे क्लियर हो रही है। जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा का जो बीजेपी का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है उससे कांग्रेस को अपने आप में स्वतः बहुत ताकत मिली है, हम जीत के बहुत नजदीक चले गए हैं। अभी आप देखिएगा तो अगले 3 से 4 दिन में महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पुनः बैकफुट पर आएगी और कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग होके आगे आएगी। चलिए खैर अभी 19 तारीख को ये पूरा फैसला होगा, लेकिन आज की चर्चा में अब तक जो बातें निकल के आई वो यही है कि अब फिलहाल लगभग गठबंधन को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था वो लगभग समाप्त हो चुका है, जो दो गठबंधन समाप्त हो रहा है जी, चलिए तो लगभग समाप्त हो चुका है या समाप्त हो रहा है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कतें अब आएंगी चुनावी नतीजे आने के बाद, किसकी कितनी सीटें, और स्तर पे एक स्तर जब स्थानीय नेता जिनको टिकट नहीं मिलेगा पार्टियों का जी, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और जो पार्टियां हैं जो एक दूसरे को देखती हैं कि उनके उनके नंबर संख्या ज्यादा है तो वो क्या अपने सहयोगी दल के साथ उसी तन्मयता से, उसी ईमानदारी से, उसी आक्रामकता से जो अपने सहयोगी दल के उम्मीदवार के लिए भी प्रचार प्रसार और मेहनत करेंगे, ये भी एक सवाल रहता है। और ये सवाल आज नहीं, लगभग जितने भी चुनाव होते हैं आप देखते हैं कि चुनाव के बाद अगर स्थिति कमजोर होती है तो जो घटक दल होता है, गठबंधन दल होता है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्थिति कैसी होती है इस पे भी नजरें बनाए रखनी होगी। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद स्थिति होगी सीमा विवाद पे। जी हाँ, जिस तरीके से चीन लगातार आंखें तरेर रहा है, पाकिस्तान की ओर से भी अजीब तरीके के सुर आ रहे हैं, क्या कुछ कारण है और क्या ये भविष्य के लिए कोई खतरे की घंटी है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद।
घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे सीमा पर जिस तरीके से जो हमारे पड़ोसी मुल्कों की तरफ से कुछ एक जो बयान आए हैं निश्चित रूप से वो परेशान करने वाले हैं। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही एक दिन पहले बिलावल की तरफ से जो बयान आया कश्मीर को लेकर, कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान की प्रमुख पार्टी के, अब वो एक तरीके से आने वाले समय प्रमुख विपक्षी पार्टी के बड़े नेता हैं। इसके अलावा चीन की तरफ से बयान आया है, कहा यह गया है क्षेत्रीय युद्ध जीतने पे ज़्यादा फोकस रखना होगा, कभी भी युद्ध हो सकता है इस क्षेत्र के अंदर। ये जो इस तरह के बयान किए जा रहे हैं इसका मतलब क्या निकाले जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही चीन के राष्ट्रपति भारत के दौरे पे थे, तमाम तरीके की बात हो रही थी, सीमा विवाद सुलझाने की बात हो रही थी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के क्या डिप्लोमेसी के स्तर पे कुछ दिक्कतें हो रही हैं, इस पर बातचीत करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अभी रॉय हमारे साथ मौजूद हैं, नेता आरएसपी के, हमारे साथ रमेश चंद्र रतन जी हैं, नेता बीजेपी के आलोक शर्मा जी हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और दिलीप सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार और ग्रुप एडिटर जैन टीवी के। दिलीप जी, आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि ये स्थिति जो है अब इस समय की जो देखने को मिल रही है, एक तरफ पाकिस्तान के अंदर खुद की स्थिति काफ़ी ख़राब है, लेकिन वहाँ से लगातार इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि वो कश्मीर को लेकर दोबारा अग्रेसिव हो रहा है। जिस तरीके से बिलावल की तरफ से एक बयान जो आया, जो कि प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता हैं और अब उन्हें अपनी ज़मीन, अपनी पहचान बनानी है, इस तरह 200 आतंकी बॉर्डर पे हैं, इस तरह की बातें जो है घुसपैठ के लिए तैयार हैं, इस तरह की बातें सेना की तरफ से कही जा रही हैं। इधर चीन की तरफ से जो हम देख रहे हैं करीब जो है 7 टेंट लगाए गए हैं, 100 सैनिक दोबारा मौजूद हैं, 15 किलोमीटर अंदर तक आ गए हैं, और कुछ दिन पहले ही सीमा विवाद को लेकर के जब शी जिनपिंग से बातचीत हुई थी तो जो है भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से काफ़ी चिंता व्यक्त की गई थी और कहा गया था सीमा विवाद जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा, उसके बाद इस तरह की घटना, क्या संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, कुछ 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे कि ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो चीन की जो सामरिक रणनीति है, वो रणनीति में इस तरह के बयान को आप अलग करके, ये उस रणनीति का एक हिस्सा है। दूसरी बात कि भारत में जब वो आए चीन के राष्ट्रपति, तो मुझे लगता है कि इस तरह के बयान आप तब जाके, जब आपको कहीं ना कहीं ये संदेश वापस भारत को देना हो और भारत ने कोई मजबूत रूप से अपने पक्ष को रखा हो, तो मुझे लगता है कि दूसरा कारण ये हो सकता है कि भारत के तरफ से मजबूत रूप से किसी बात पे या अपने पक्ष को रखा गया होगा, जिन कारणों से चीन के ये रणनीतिक बयान हो सकते हैं। जो तीसरा और एक महत्वपूर्ण पहलू है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका में उनके जो भारत और अमेरिका संबंध, जिस तरह से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि चूंकि एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान, और जो चारों तरफ से चीन जो है श्रीलंका के जरिए, मॉरिशस के जरिए, इन तमाम जगहों पे चीन जो अपना असर को बेहतर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध बेहतर होंगे उसमें एक पोजिशनिंग है। अगर वो स्थानीय वार की बात कर रहे हैं कि रीजनल वॉर, दैट मीन्स वो अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी, खास करके यूएस को एक संदेश, और संदेश भी मैं ये नहीं कहता हूं ये भी हो सकती, यही है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अपना इंटरनेशनल पोजिशनिंग कर रहा है कि चीन जो है इस क्षेत्र में अपने वर्चस्व के लिए किसी भी तरह से हर हद तक तैयारी, या किसी भी हद तक जाके अपनी तैयारी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बयान से कई पहलू जो है उसको आप, और साथ ही साथ आप जो, आपने जो खुद कहा कि जिस तरह से इस समय अगर आप पाकिस्तान में जो स्थिति है, चाहे नवाज शरीफ का, चाहे राजनीतिक दलों का, वहां पे जो स्थिति है उसमें पाकिस्तान की जो अंदरूनी स्थिति है वो बहुत ही गंभीर है, तो वहां जो पाकिस्तान की पार्टियां हैं, जब तक वो भारत विरोधी बयान नहीं देंगे तब तक उनको वहां पे उनकी स्थिति नहीं सुधार नहीं होता है। तो मुझे लगता है, और आपको पता होगा कि नवाज शरीफ जो वहां जा रहे हैं यूएन जनरल असेंबली में, जहां नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं, ये पाकिस्तान ने पहले ही तय कर लिया कि वहां कश्मीर के मुद्दा को उठाएंगे। तो ये पूरे स्थिति, ये चीन के तरफ से और पाकिस्तान के तरफ से, इस पूरे जो साउथ एशिया है या ये जो एशिया है, यहां पे इस जगह को केंद्रित करके चीन और पाकिस्तान दोनों, भारत चूंकि भारत उभर भी रहा है, भारत के में बहुत दिनों के बाद एक ऐसी सरकार, ऐसा माना जा रहा है कि मजबूत सरकार है, जिस जो गठबंधन की सरकार नहीं है, निर्णय ले सकती है, निर्णय लेने वाली सरकार है, इस तरह के जो मैसेज थे बाहर में, जो छवि बनी हुई थी, उस छवि के विपरीत भी एक छवि बन रही है। तो इन तमाम चीजों को काउंटर करने के लिए चीन जो है ये अपने रणनीतिक बयान को, या अपने रणनीति के तहत इस तरह के बयान दे रहा है।
जरा रमेश जी आपसे जानना चाहेंगे, आप विदेश नीति को लेकर के तमाम तारीफ भी हुई, तमाम मीडिया में हर तरफ नरेंद्र मोदी की वाहवाही हुई, नेपाल से लेकर भूटान तक जिस तरीके से सार्क देशों को बुलाया, लेकिन ये किस तरह की डिप्लोमेसी है कि जब सार्क से कोई आता है, जैसे अमेरिका, जैसे पाकिस्तान के जब आए नवाज शरीफ साहब, उसके बाद जो है दिक्कतें बॉर्डर पर शुरू हो गई, जिसकी वजह से आपने कहा कि अब बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। इसके बाद चीनी राष्ट्रपति आते हैं, तमाम इन्वेस्टमेंट की बातें होती हैं, $20 बिलियन निवेश किया जाएगा, बुलेट ट्रेन की बात होती है, और उसके बाद से सीमा विवाद पर बातचीत होती है, थोड़े दिन बाद वहाँ पर फिर से जो है सैनिक दिखाई देते हैं। क्या कम्युनिकेशन के लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्या डिप्लोमेसी के लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, जिस वजह से जिस मुद्दे को इतनी दृढ़ता के साथ रखा गया, जिसको ज्वाइंट स्टेटमेंट में मेंशन किया गया, प्रधानमंत्री ने जब ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया उन्होंने कहा कि घुसपैठ के मुद्दे को हमने उठाया और हमने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है, इसको जल्द ही सीमा विवाद को हल किया जाएगा, लेकिन जब चीन के राष्ट्रपति बयान पढ़ते हैं जब ज्वाइंट स्टेटमेंट में, तो वो कहते हैं कि सीमा पर जो है इस तरह की कुछ एक घटनाएं हैं, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब नहीं है, उनका एक दो घटनाएं हुई हैं और दोनों देश इस बारे में समर्थ हैं अपने तरीके से कि वो इस तरह की समस्याओं को हैंडल कर सकें। चीन की तरफ से उस समय भी कोई जवाब इस तरीके से नहीं आया था कि हाँ इसको लेकर हम कोई कदम उठाएंगे, सीमा विवाद को लेकर के जरूर उन्होंने कहा था, तो क्या हम अपनी बात को इतनी दृढ़ता से रखी या हम ठीक से रख नहीं पाए, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी इस समय दिखाई दे रही है सिचुएशन? सबसे पहले तो ये कि ये एक मजबूत और सुदृढ़ सरकार और जो भी इच्छा शक्ति है वो आज तक इतिहास में किसी आने वाले नेतृत्व की नहीं रही जी। और उसी का कारण है कि ये सामरिक दृष्टि से विदेश नीति के सोच के तहत ही ये सार्क देशों का जो प्रथम ही चरण में स्टार्ट हुआ, और ये भी एक प्रत्येक देश का एक कूटनीति सामरिक दृष्टि ये सारी सोच है। और आपने ये देखा भी होगा कई देशों के बीच में कि बांग्लादेश अपने उस लोगों को छोड़ रहा, श्रीलंका वाले छोड़ रहे हैं, पाकिस्तान वाले दर्शा रहे हैं कि वो मछुआरे को छोड़ रहे हैं, और फिर उसके प्रतिकार भी देखते हुए तो एक तो ये जल्दबाजी होगी कि इस बारे में ये सोचना कि अभी चाइनीज जो अपना राष्ट्रपति गए और जाकर के ऐसा कुछ हुआ। हाँ एक बात दोनों मुल्क की तरफ से हुआ था कि जो भी सीमा विवाद है उसे बिल्कुल सुलझा लिया जाएगा, और विवाद मतलब जहां भी एक जो बाउंड्री वॉल जो मतलब निश्चितता का दौर से थोड़ा सा वो है तो वहां छुटपुट होता रहा, ये कोई पुराना दौर है, लेकिन इतना निश्चित है कि जो भी सामरिक दृष्टि से जी, बीच में रोक रहा हूं आपको जी, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये एक बड़ा मुद्दा है, हमें इस पर चिंता व्यक्त करते हैं, उसके कुछ दिन पहले गृह मंत्री साहब कहते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं क्योंकि क्लियर डिमार्केशन नहीं है। प्रधानमंत्री ये इस तरह का विरोध, होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं इस तरह की घुसपैठ की कोई बात नहीं है क्योंकि वहां पर क्लियर डिमार्केशन नहीं है, क्योंकि सीमा स्पष्ट नहीं है, इस वजह से वो लोग चले आते हैं, हमारे लोग भी जाते रहते हैं उधर ये, और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नहीं इसको लेकर के हमने चिंता व्यक्त की है, तो ये आपको लगता नहीं विरोधाभास है? बिल्कुल विरोधाभास नहीं है, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। क्लियर डिमार्केशन कुछ हिस्सा रह गया है जिसकी तरफ से जो है अनजाने पर चीन मानता है, वो भारत नहीं मानता है, नहीं भारत जो भी तथाकथित जैसे भी है, लेकिन इतना निश्चित है कि इस तरफ देश की चिंता है, प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय उसमें कोई कंट्राडिक्शन बिल्कुल किसी भी टॉपिक पर नहीं है, म्यूचुअल सारी सोच है, और निश्चित ही दृढ़ता के साथ इस सीमा विवाद के लिए प्रधानमंत्री चिंतित है, सरकार चिंतित है, और इसे निपटाने का भी पूरा प्रयास रहेगा, और उसी प्रयास के तहत सामरिक दृष्टि से ये जो जाने का जो श्रृंखला जो चल रहा है अपना गति से, जापान, चाइना, अमेरिका, ये सब उसी दृष्टि का, जो पाकिस्तान का जो ये पाकिस्तान में तो जो भी इंडिया के अगेंस्ट बोलेगा वहां एक बर्निंग इशू पैदा करेगा, पाकिस्तान का तो है ही, यहीं से उत्पत्ति है पाकिस्तान की तो लीडरशिप की, दूसरा कोई उनके पास इशू है ही नहीं। चलिए जरा इस बीच जरा सुन लेते हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन साहब ने क्या कुछ कहा इस दोनों मसले पर, पाकिस्तान और चाइना, आज जरा पहले उनको सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इन इश्यूज ऑन द बॉर्डर यू नो माय व्यूज दैट बॉर्डर इश्यूज आर बेस्ट हैंडल्ड बाय दोज हु आर प्लेस्ड देयर। So I will not get into the details of what the situation on the border is because they are best placed to respond to it. But let me try and tell you an additional bit of information which is not covered in that, and that is since our two leaders met and discussed issues relating to recent events on the border, there have been several follow-up issues that have been taken up
by engagement at different levels, in different places, by India and China. In essence, I can tell you, diplomacy is at work. It is quietly at work. I think process should not be mixed with substance. Yes, there were meetings. These were in the nature of courtesy calls requested by the Pakistani High Commissioner and granted. As regards substance, you know our view, and that view is that we feel it was not proper for the Pakistani High Commissioner to make a spectacle of these discussions with the Hurriyat. We have taken adverse notice of it and responded to it appropriately. Dilip ji. Ji, jo baat keh rahe hain aur jo Chinese president keh rahe hain, usme aaj Congress ke महासचिव हैं दिग्विजय सिंह ने भी सवाल उठाए हैं कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सक्सेसफुल बजट विजिट था, तो वो बताएं कि कैसे ये सक्सेसफुल विजिट है. उन्होंने सवाल किया है, साथ साथ उन्होंने आज इस पर भी सवाल किया है कि जो हमने ये कहा है कि तिब्बत इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, तो ये क्या मेजर डिपार्चर हमारे जो भारत का जो अब तक पोजिशन रहा है उससे नहीं है. लेकिन साथ ही साथ जो बात अभी अकबरुद्दीन साहब कह रहे थे, उन्होंने ये नहीं बताया कि जो टेंट लगाए बैठे हैं पीएलए के सैनिक अभी तक वहाँ पे क्या हो रहा है. उन्होंने कहा डिप्लोमेसी इज एट वर्क, सेवरल लेवल पे फॉलो अप हो रहा है, एंगेजमेंट है डिफरेंट लेवल पे. तो मुझे लगता है कि ऑल इज नॉट वेल डेफिनेटली. गवर्नमेंट जो है, जो सरकार की तरफ से जो इनिशिएटिव होना चाहिए, जाहिर है कि वो जो बात करेंगे वो मीडिया में आके तो नहीं कहेंगे क्या हो रहा है, लेकिन चीजें बहुत दुरुस्त नहीं है. आलोक जी कहना चाह रहे हैं. देखिए, जहां तक बात केंद्र सरकार की है, जो केंद्र सरकार है, हिंदुस्तान की सरकार है, विदेश नीति नारों पर नहीं चलती है, इनको समझना होगा. पिछले 3-4 महीने का अगर इतिहास हम विदेश नीति का उठाकर देखें, तो उसमें कहीं ना कहीं जल्दबाजी नजर आती है, चाहे वो पाकिस्तान का मैटर रहा हो, श्रीलंका का मैटर रहा हो, जापान का मैटर रहा हो, और चीन के मामले में तो केंद्र सरकार की जो विदेश नीति है पूरी तरह से दिशाहीन नजर आ रही है और पूरी तरह से अंधकार में नजर आ रही है, अंधेरे में रखा जा रहा है. आप देखिए कि जो एग्रीमेंट अहमदाबाद के अंदर 3 गुजरात सरकार के अंदर हुए हैं, उसमें नक्शे को ही हिंदुस्तान के को हमने तोड़ मरोड़ दिया है, और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया उस अधिकारी के ऊपर कि किस अधिकारी ने ऐसा किया है, या वो केंद्र सरकार की शह पर या गुजरात सरकार की शह पर हुआ है. तो जो सरकार और जो माननीय मोदी साहब हैं चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, उनका फरवरी का बयान सुनिए, वो कहते थे दिल्ली में बैठी वो कमजोर सरकार, उसने चीन के सामने घुटने टेक दिए. आज आप वो सरकार ये भी मानने को तैयार नहीं है कि 18 दिन से हमारे क्षेत्र के अंदर पीएलए के सैनिकों ने अपने टेंट लगाकर बैठे हुए. आलोक जी, लेकिन जो स्नैप के बारे में आप बात कह रहे हैं, वो वहाँ पे गुजरात सरकार के तरफ से ये बात कहा गया, साफ कर दिया गया कि मैप जो दिखाया गया है, जो शोन द लोकेशन ऑफ गुआंगडोंग प्रोविंस एंड गोजु इन चाइना, ये मैप वाज नाइदर साइंड बाय द ऑफिशियल ऑफ गुजरात गवर्नमेंट नॉर एंडोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात. बेशक एंडोर्स नहीं हो दिलीप जी, चाहे साइन नहीं हो, एग्रीमेंट का पार्ट है. एग्रीमेंट का पार्ट ना भी हो, आप अपने देश में ऐसे मैप प्रिंट कर रहे हैं जिसमें अरुणाचल हमारा हिस्सा नहीं है, स्काई ऑक्साइड चेन हमारा हिस्सा नहीं है. तो केंद्र सरकार आज बिल्कुल ढुलमुल हो गई है और बता नहीं रही है कि बातचीत क्या हुई है. ना इन्होंने ये बताया कि नवाज शरीफ के साथ 50 मिनट क्या बातचीत हुई, ना इन्होंने ये बताया. और यहां तक कि विदेश मंत्री को भी दूर रखा जाता है, केवल एक व्यक्ति जो है सारा टोकरा उठाकर वजन उठाकर चल रहा है. मैं समझता हूं ये डिप्लोमेसी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा पैदा होता चला जा रहा है. जिस तरह की धमकियां आप दे रहे हैं ये ठीक नहीं है. आपने जो पाकिस्तान के साथ किया 13 अगस्त को कि हम लड़ाई लड़ेंगे, सीधी लड़ाई की बात आपने की, पाकिस्तान ने सीधी लड़ाई छेड़ दी, 32 पोस्टों पर आपके साथ सामने लड़ाई छेड़ दी. आपने चाइना के साथ, हमने बिरयानी वाली स्टेटमेंट बहुत सुनी, लेकिन मैं उस स्तर पर नहीं जाना चाहता हूं. आज देश की बात है, चाइना एक आज इंटरनेशनल पावर है, आपको किस तरह से डील करना है, क्या करना है, बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए. 3 महीने में आपने तमाम झंडे विदेश नीति के गाड़ दिए, लेकिन एक भी आपने ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई कि विदेश नीति हमारी कैसी है. लेकिन आलोक जी, ये बात तो मानना होगा शायद, चूंकि आप जानते हैं बेहतर जानते हैं कि अगर चीन के राष्ट्रपति का इस तरह का बयान आया है कि आप रीजनल वॉर के लिए तैयार हो, वो भी भारत से जाने के तुरंत बाद, स्वाभाविक है उनको नई दिल्ली में
कुछ ना कुछ खड़ी खड़ी बातें सुनाई गई होंगी। दिलीप जी मैं समझता हूं, है जो बातें भारत को रखना मजबूती से रखी गई होंगी भारत की तरफ से, जिसके कारण चीन को रणनीतिक, मैं कहता हूं रणनीतिक तरीके से इस तरह के बयान को देना पड़ा। नहीं देखिए, अगर इस तरह की कोई बात है नहीं, तो केंद्र सरकार एक विश्लेषक की तरह, आप विश्लेषक की तरह आपने एक बिंदु का विश्लेषण किया है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि अगर इस तरह की कोई बात रही है जी, तो मोदी जी को देश को बताना चाहिए, एटलीस्ट पार्लियामेंट को बताना चाहिए, एक सत्र बुलाकर इस तरह की बात करनी चाहिए। अगर इतनी बड़ी बात हुई है तो मैं वही कह रहा हूं कि अंधेरे में रखा जा रहा है। लेकिन मुझे इस बिंदु का अंदाजा कम है, मुझे ऐसा लगता है कि जो दिलीप जी ने शुरू में इस वार्ता के कहा था यूएसए वाला एंगल, वो कहीं ना कहीं ज्यादा कारगर है। मामला देश की है और हमारे देश आजादी की 67 साल हो गया, और जब हमारे पहली प्रधानमंत्री जो थे नेहरू जी, वो भी ऐसा अच्छा रिश्ता बनाने के लिए हर जगह घूमते घूमते चाइना के साथ पंसिल भी किया था, और करने के बाद 62 में आक्रमण भी हुआ कश्मीर के, ये लेकर पाकिस्तान और हमारे साथ चल ही रहा है, आज की मुद्दा नहीं है। हमारी सीमा रेखा की बात जो है, भला ही वो दोनों विरोधवाद हो या ना हो, कभी भी होम मंत्री हो या गृह मंत्री हो या कोई हो, उनकी मुंह से कहां डिमार्केशन की बात कहीं कहीं थोड़ा इधर उधर है, ऐसा कहना ठीक नहीं है देश के लिए। दूसरी बात ये, ऐसा ही नाजुक परिस्थिति है कि उन्होंने नेपाल गया, भूटान गया, जापान गया, चाइना की राष्ट्रपति आई, फिर उन्होंने अभी अमेरिका जा रहे हैं जी जी जी। अब ये बहुत ही बड़ी मामला सामने आ गया कि हमारे देश की विदेश नीति को लेके, और हमारे देश जो रिश्ता बनाने चाहते हैं वो रिश्ता में क्या है। पाकिस्तान की बात है कि पाकिस्तान में भारत विरोधी बात नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के आदमी को वो ठीक नहीं है, बहुत उनके यहाँ प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम भी उसके नाम से बहुत कुछ कर लेते हैं जी जी। ये सारे बात देखते हुए हमारी चीज की जो है जी जी, 62 के बाद राष्ट्रपति फिर हमारे यहाँ आया और आपके ही इधर बातचीत हो रही, उधर वो लड़ाई हो रहा है, इसमें से मानना चाहिए कि हम जिससे बात कर रहे हैं उनकी दोहरा नीति दोहरे नीति से सजग रहने की आवश्यकता। और महत्वपूर्ण पक्ष है, आप इसको ना भूलें कि अभी जब चीन के राष्ट्रपति भारत आए थे तो भारत के राष्ट्रपति वियतनाम जाके उन्होंने वो समझौता किया जिसके कारण चीन जो है उसको स्वीकार नहीं करता, उस पर खफा है, तो उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि जिस तरह से भारत, जिस तरह से चीन भारत के चारों तरफ से घेर रहा है, उस तरह से भारत भी वियतनाम या और अन्य जो देश है जापान के साथ जो रिश्ते बढ़ा रहा है उससे भी। और तीन बातों को आपको हमेशा समय समाप्त हो गया सर। अपनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, रमेश चंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिलीप जी आप भी बहुत बहुत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। कहीं ना कहीं सजग रहने की आवश्यकता है, कुछ कूटनीतिक जो हमारी विदेश नीति है उस पर भी दोबारा विचार करने की आवश्यकता है, किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरीके से अगर धमकी दी जाती है, इस तरह की बातें कही जाती है, तो भारत को सोच समझ करके दूरदृष्टि को ध्यान में रखते हुए कोई बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता भी हो सकती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।